भी याद होगा कि पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने एक कार्यक्रम कराया था, उस कार्यक्रम में नीतीश जी गए थे और संयोग से नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी चलाक आदमी, उनको मालूम था कि हमसे कितना परहेज ये करते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे, नरेंद्र मोदी फट से उठे और उनका हाथ उठा करके कर दिया सामने, मार फ्लैश बल्ब चमकने लगा, देश भर के अखबारों में जो है तस्वीर छपी। वहाँ से आते हुए रास्ता में संजय झा को उन्होंने बताया, संजय झा आजकल क्या सिंचाई मंत्री या क्या हैं, लेकिन नाक के बाल हैं वो नीतीश कुमार के, उनको बताया कि भला बताइए आपने ऐसे आदमी के साथ जो है हमारी तस्वीर खिंचवा दी जिसका नाम लेने से इस देश के करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, इतना परहेज था। वैसा आदमी फिर नरेंद्र मोदी के पास जा रहा है तो नरेंद्र मोदी के लिए तो बड़ी बात थी। उस समय अगर इन्होंने सर्त ये लगाया होता तो हमको पूरा यकीन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। उस समय तो आपने किया नहीं, अब आज तो आपका मोल इतना घट गया है कि आप जो है 41 विधायकों के साथ जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं और दूसरे तरफ जो है हमसे एक सीट एक विधायक कम लेके भारतीय जनता पार्टी जो है आपको मुख्यमंत्री बनाए हुए है। अभी कौन बात सुनता है? लेकिन इस बात का तो स्पष्टीकरण होना चाहिए ना भाई कि विजेंद्र जी ने अपने मन से कहा या नीतीश कुमार के कहने पर कहा। और जहाँ तक हमको विजेंद्र जी को भी जानते हैं, लंबे समय से हम लोगों ने साथ में राजनीति किया है, विजेंद्र जी अपने मन से इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते थे कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग हम लोग छोड़ रहे हैं, मांग उठाते उठाते हम लोग थक चुके हैं। देखिए जहाँ तक बिहार के पिछड़ापन का सवाल है, अभी किसान आंदोलन हुआ था उसका समर्थन किया। बिहार खेती ही जो है बिहार में मूल आधार है, बल्कि देश के का जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार जो है खेती है। अभी जो कोरोना का दौर आया हर क्षेत्र में गिरावट आई, एकमात्र कृषि ऐसा क्षेत्र था जिसमें